चरित्र जब सुन रहे हैं तो राम की जो तर्पण है, जो राम के पक्ष में है, कछु पक्ष में रह कछु विपक्ष में रह, तो जो पक्ष में है वे जय बोल ले वे करे बोल ये वीर बजरंग बली की जय हो। अब एक कैसी सुंदर कथा सुन रहे थे, सुंदरता सुंदरता ने बिठवना का करा दी के आंख भरवा दे, बहुत सुंदर देखन आई थी पतंग सुंदर है तो बुक देख सुंदर वो तो आई अकेले दुनियन किनाने है इतने पतिव्रता तो पति की बात पे विश्वास कर दो, नारी वृता है तो नारी की बात पे विश्वास कर लो, पत्नी ने कहा भगवान है तो कर लेते प्रकाय होगा इतने बल देखन, और बल देखन गए तो सारे संसार में बाप ने सुनना नहीं बचा पाए, और लौट के राम जी नो आए आखिरी में आग फरमाने पड़े। तो ये सुंदरता कैसी होना चाहिए, सुंदर 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 की कथा सुने सुंदर सुंदर कौन दोहा नहीं है, दोहा नहीं है सुंदर कांड में सीधे चौपाई से शुरू है, सुनो तो सुंदर सुंदर की कथा जो सुंदर हो तो में फिर काय को शेर और दोहा लगाओ ये सुंदर का बढ़ावे के लाने लगाया जा, तो कहते सुंदर कौन है क्या मैं कथा सुंदर हो सिनेमा सुंदर से हो चाहे ऐसे वो सुंदर भाई जानो जा में सुंदर गुण हो बहु बढ़िया हो 10,000 की ड्रेस पहरे हो और सास की ये कल सुने नहीं वो काउ से जावे की पूछे नहीं जिते जाने उसे चली जाए तो सुंदर हो गए सुंदर गुण नहीं है, और लड़का बड़ो सुंदर है और बम मताई की कनपटी थे के बिन की माँ ने ये कहूँ मैं तो वो सुंदर है सुंदर उसे जानो के जा में गुण सुंदर हो गए चाहे कलर दबोर है तना अकेले गुण सुंदर होना चाहिए, जैसे एक घड़ा सोने को है बामे पानी भरो और जहर डरो और एक मट्टी को घड़ा है बा में पानी है अकेलो भरो तो बोलो सोने के को पी रहा है के मट्टी के को सोने के को पियत तो गोविंदा नमो नमा अभियान बोल रही पी लो सोने के को तो वो सुंदर है सोने है और फिर बा में मिलो जहर मर रहे बच नहीं रहे और जा में जहर नहीं है प्राण बच रहे मोसू कराओ तो पी रहे बच रहे, तो जा ऐसे ही सुंदरता है जिसमें गुण सुंदर हो वही सुंदर है तो बार सुंदर है जान लो
या जैसे लंका में चलवे बारे या सुंदर ही सुंदर से शुरू है सिंध तीर एक भूदर सुंदर त्रिया फिर पहले जहां से चलना वो ही सुंदर और फिर कनकोट विचित्र सुंदरायत अति घना कोट भी सुंदर है और यहाँ के मंदिर भी सुंदर है। अब इन मंदिरों में मंदिर कहाँ से आ गए? हनुमान जी स्वयं मंदिर है। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा देखे जैसे अगणित जोधा। तो ये यहाँ भी सब सुंदर है और इतने का निर्णय भी सुंदर है। ये गुरु महाराज जा रहे हैं अपने चेला को समझावे। दशानन चेला है और साक्षात शंकर जी हनुमान है और ये जा रहे है गुरु की आत्मा का चेला भटक का तो हम समझा दे तो मान जाए। तो जैसे हनुमान जी लंका में प्रवेश कर बैठे। ये लंका क्या है? लंका को जाना बीच में एक समुद्र है और ये संसार समुद्र है। जैसे भी पार जाने अच्छे गुणों से पार जा पा रहे और नहीं तो ऐसे ही डूब रहे जैसे समुद्र के किनारे सबरे बंधन ठाड़े बन गई खाए जो जो चार से कोच को संपाति ने कहा चार से कोच को समुद्र लाग जाए वो सीता की खबर पाएगा। अशोक वन में बैठी इस समय को लागे कचु कचु बंदर बोले हम चले कि देख जे हो पांच योजन बोले इतने डूब रहे पकौड़ी से जैसा कहा हो रहा हूं तुमसे पांच योजन तब तक न एक बोले का हम चले जे बीस योजन तुम बीजों तक नहीं पहुंच रहे। एक बोले हम चले जे पचास योजन बोले तुम बीच में डूब रहे पंजाबी में फायदा कर तब तक नो एक बोले पंचानवे योजन जामवंत बोले पंचानवे योजन कि पंचानवे जा रहे तो बाकिनारे डूब रहे फिर फायदा क्या है। इतने से लांग गए तो बा तरफ डूब गए कि ये कौन है जई तरफ डूब रहे ये कोई है ये है तमोगुणी। तमोगुणी बीजों तक नहीं पहुंचा ये तो इतने ही डूब जा तमोगुणी अनुभव का तम माने अंधकार। वो अंधकार का गुण है कि अपने ही लड़का की टांग तोड़ के और अपने ही पलस्तर चढ़वा दे जा रहा है दिखाई नहीं रहा हो तम माने अंधकार। और रजोगुणी कहां तक जा रहे हैं? रजोगुणी जा रहे हैं बीच तक ये बीच में डूबा तो इनके कौन गुण बचे? तमोगुणियन में दो गुण है एक तो मोह है और एक आलसी है। तमोगुणी कभी कपड़ा ना धोए बच्चा धो दे प्रेस कर दे फिर वे की माने जाने वो कर नहीं सका। और रजोगुणी के अंदर काम और लोभ तो वो लोभ और कामना में इतना टेंशन में रहता कि बीच में जे अटैक आएगा और बीच में जाए। और जब सतोगुण बारे कहाँ जा रहे वे व्यापार जा रहे कर्जे पूरे होगा वैराग भजन कर रहे उठे पहुंच गए जब कछु संपत मिल गई सोई फिर कम केलन ने डाटी मन करो के घरे भतीजे को दे दे बस यही जा रहे थे बच नहीं रहते थे ये अब कौन जाए पार पार कौन जा सका कर ये समुद्र संसार समुद्र से पार जाने वाला है। पार्वती जी ने पूछी शंकर जी से कौन जा सकत पार। तो शंकर जी बोले
ना होगा दुनिया में सिद्ध मानन लगे हमें तेरे समझ सिद्धि सिद्धि को एक दिन उठा के समान छोड़ दे अगर ओल लकड़ गया तो छोड़ दे फूटा के बराबर हुए तो जो के वैसो फूटा हुए वो तीनों का चाहे घी में डरो हुए उठा के उधर फेंक दे जा मैं सब बन रहा हूँ तीनों का के समान सिद्धि का त्याग करने वाला वो बैरागी है। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से जो तीनों गुणों को त्याग जाता है उसे क्या बोलते हैं बोले वो हा बोले उसके लाने बोलत गुणातीत वो जब तक तीन गुण में पूरा संसार ऐसे पुरुष ऐसे माला एक डोरा में सबरे मनिया है ऐसे ही कोई तमोगुण में है और कोई रजोगुण में है और कोई सतोगुण में है कोई मंदिर जा रहे पाठ पूजा कर रहे कोई लोकदा में कोई कामी है और कोई मोई है और कोई आलसी है परे परे खा रहे चाहे दुनिया का चूका कर रहे बिना नहीं करने का ये तीनों गुणों को जो त्याग जाता है वो परम वैरागी है। तो वैरागी हुआ ना वो कैसे परम नहीं वो वैरागी कैसे वैरागी बोले अब इतने से कछु कर रही परी घर से तो चले गए जो अयोध्या पहुंच गए हो गए वैराग चले गए हरिद्वार पहुंच गए और फिर लौट के आ गए कैसे बोले चूल्हे में लकड़ियां बन रही बामे उरे कीड़ा कीटाणु बिने लगी आठ सुबह बोले भैया बगलो रे हाय कदर ये तो छोड़ो अगर तमाकू से परेशानी है तो छोड़ दो बोले बीड़ी पी लेना और बीड़ी से परेशानी अब क्या करना है तो क्या एक विषय छोड़ो और दूसरे विषय पकड़ो जा छेद से कले दूसरे में पहुंच गए अब जो पतोई नहीं है पूरी लकड़ियां जा रहे तो भाई चूल्हे में पर वैरागी जब तक वह लकड़िया का परत्याग कीड़ा नहीं करेगा तब तक वो बचने वाला नहीं है। जिसने कहा अर्जुन ने के भगवान कृष्ण से कि आप जो बताओ कि बाप जो परम वैरागी होते बाप के कैसे लक्षण हो
वो कैसे बोले, वो क्या खा, कैसे चला, वो हमें बताओ तो हम जान जाए कि जो परम वैरागी है। डिरेल से काम चल रहा, बोले डिरेल फन को काम नहीं है जो, तो ये आचरण का काम है। परम वैराग होना मन की गति है, मन ही तो वैरागी है, तन वैरागी थोड़ी है। मन में अगर त्याग मन में है तो वैरागी है। जनक जी को मन में ही तो वैराग, तो वे कहते सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तो जन चकोरा। ये मन वैरागी है। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते ऐसे व्यक्ति की हम आचरण बता रहे। निर्माण मोह चित संग दोषा, अध्यात्म निद्या बिन वृत्ति कामा, सुंदर विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त मूढ़ा भयं पदं ततो। बोले जिसके अंदर जो वैराग है, परम वैरागी है, वह मान नहीं है। सोई समझ लो, चाहे बैठ जाए, कहो गद्दी पे बैठे, कहो धरती में बैठ जाए, एक को कहे अरे नहीं यार नहीं इतने आओ, आओ आओ ठीक है तुम कह रहे मंजूर है। फिर बाकी अंदर मान नहीं है, वो एक मान चाह रहे, एक मान चाह रहे, जबरे मान चाह रहे, नहीं मान मिलना चाहिए। कैसे मिले, बोली डेरी से मिल जाए, अच्छी डिरेक्ट पे चलो तो मान मिलेगा। तो नहीं, अगर आचरण तुम में सही नहीं है तो मान मिल भी बारो नहीं है। निर्माण वो मान नहीं है तो कोई भी नहीं है। मान के लाने, अच्छे कपड़ा पहनने, अच्छी गाड़ी लेने, अच्छे सेवक संग लेने, और फिर मोए भी है। काय को मान तो मर रहा गाड़ी से, और मोए है गाड़ी को, बाकी लाइट माइट ना फूल देगी, तब फिर मोए है। निर्माण मोह और मोए है तो संगत के दोष में फंस जाए, बिना करे को भाई भोगने पड़ेगो, करे कछु नहीं कर पोगो, बाकी संगत से भाई भोगने पड़ रहो। तिन्ने का जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, नित्य ही अध्यात्म यात्रा करेगा, और जब तक यात्रा अध्यात्म नहीं होगी तब तक जीव सुखी नहीं होता। वो तो अध्यात्म विद्या प्रगट होती पढ़ने से नहीं हो, कि बीए एमए और एलएलबी कम को करे हो तो आ जाए, चाहे वो अंगूठे के हो। अध्यात्म विद्या स्वयं साधना से अपने अंदर प्रगट होती है, और वो दूसरे के मुंह को देख के पढ़ने के जा, जो भूखो है, जो प्यासो है, या सदमा है, जो किसी कम में है, वो दूसरे के चेहरा को पढ़ ले तुरंत देखता नहीं, वो अध्यात्मवादी है। वो दूसरे के हृदय से मिलो भाव है तो वो दूसरे की हृदय की जान लेगा। अध्यात्म नित्या बिन वृत्ति कामा, सो अर्जुन बोले वे खात का है, वे बोले वे खात बिन वृत्ति को, वृत्ति को खावो बनने के बनन दो बढ़िए चीला अजवान डरी, और नहीं बने बहू ने नहीं बना कि नमक कम है गोदार में फेंक दई धारी, हमने कही थी अब हमाओं का चलावा है, को पूछ रहा हूं कि ये गर्म को हो रहे, कि ये है बिना वृत्ति के, बिन वृत्ति के है तो कछु नहीं है, जैसो मिल गाओ तैसो खा लो, और जैसे कपड़ा मिल गए तैसो पहन लो, काय को मूड पटक रहे ना, ये कपड़ा ज्यादा चल रहे साल के दो साल के फिर नहीं आने, काय को रोगाओ तो बिन वृत्ति कामा,
देर में मुक्ता वो लड़ाई झगड़ा से दूर रहे और नहीं कछु कछु जब रही लड़ाई में और जाते बीच आई गई हो रही था उसे अपन बीच में दस बैठे जो कल लगे अब तेने जाके तारा तो अब आई तुम आई जान के दुनेर में मुक्ता वो लड़ाई झगड़ा से दूर है वो सुख और दुख का दोनों का साथी है तो दोनों का साथी होते भैं का आज सुख दुख संगे गच्छत मूड़ा पयम पदम तत वो मेरे चरणों तक आ जाएगा तो जीव एक जागा तो रही बंद हो तो आठ आठ जागा बंद हो वो तो जननी जनक बंद सुत दारा तन धन भुवन सोहद परिवारा आठ जागा बंद हो तो कई एक डोर को बंधो उस नहीं खा पा रहा जानवर वो आठ जाना बंधो तो कैसे खा पाए बोले सबकी ममता ताग बटोरी रस्सी पूरी एक जाना कर दो और मम पद मने बांध बर डोरी हमारे चरण से बांधो बस जो तुम्हारा कल्याण है चाहे कितने ही जगह बंधे रहो और चाहे एक ही जाना बंधे हो जीव के अंदर एक चीज होती है भक्त से पूछी गई हनुमान जी जब आए तो जैसे लंका में एक एक घर का शोध करते करते अब उन्हें मिले संत तो ये संत के लाना देखना तो संत का अलग मंदिर है संत के दर्शन वहां विचार करने लगे सज्जन आए कहां थे लंका ने से डरने डरने वाला लंका ने से डरने राक्षस रह रहे ये सज्जन कहते एक बचे नहीं समुद्र बापार सुनना डेरा महाराष्ट्र में डरो गुजरात में डरो खरदूषण आदि यहाँ रह रहे और ये ताड़का आदि ये सब पूरे भारत में सभी जगह है शिविर पड़े हैं ये धर्म विरोधियों के शिविर पड़े हैं और यहाँ पे कोई कथा कहने वालों ना आ जाए नहीं जनता बिगड़ जाए अच्छे त्रास है देश निकास है जो कहे देश पुराना इन्हें भगा रहे धर्म विरोधी है चारों तरफ धर्म विरोधी फिर ये लंका में शंख बजा रहे ये यहाँ पंडित जी कैसे रह रहे होंगे तेने का तो ब्राह्मण ही बन जाओ अगर साधु के पंडित होंगे तो स्वागत को उठेंगे वो चाल है गो कि पंडित जी को रूप बना लो भगत आ गो कोई सिखा लो जैसे विप्र रूप धर वचन सुनाए उठत सुनत विभीषण उठते आए विभीषण आ गए और विभीषण जैसे आए भैया आप कौन है नमस्कार करते हैं हनुमान जी ने कहा मारुत सुत में कप हनुमाना नाम मोर सुन कृपा निधाना मैं अंजनमाता अंजनी से पैदा और
पवन पुत्र हूं, मेरा नाम हनुमान है। वे बोले हमें तो ऐसा लग रहा है कि तुम भगवान ही आ गए हो, जाने का करे ना, भगवान के भक्त कब आए ही नहीं है। तुमने कहा आज हमें ऐसे लग रहा कि परमात्मा ने हमारे यहां बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। अब कोई भाव भरोसा हनुमंता, हे हनुमान अब हमें भरोसा होगा कि बिना परमात्मा की कृपा के। तो हनुमान जी बोले तुम कैसे रह रहे, मैं सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन में जीव बिचारी। हम तो ऐसे रह रहे जैसे 3200 दांत में जीव रत, ऐसे रह रहे। हनुमान जी बोले जीव रत जैसे तुम रह रहे, कहा जैसे जीव की का चला देगा बगल को, मैं तो दांत काट दे आगे, मैं तो दांत काट दे। हमें तो बिनई के चलन में चलने तो रह पा रहे, हम नहीं रह पाते। हनुमान जी बोले, हनुमान जी ने कहा अथ में अधम सखा सो मोह पर रघुबीर, और तीनी कृपा सुमर गुण भरे त्रिलोचन नीर। तुम कह रहे कि हमारे ऊपर करे कृपा भान कुल ना था, तो तुम जो हम सरी से अधमन पे कृपा कर दई, कपी चंचल चंचल आदमी पे के कोनो साधन सही नहीं बनत, तो आज हमारे ऊपर जो परमात्मा ने कृपा करी तो तुम्हें मित्र हमने बना ले और तुम भज्जा न बच जाओ हमारे। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और देखी चहो जान की माता, विभीषण ने जुगती बताई जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी जैसे गए और जुगती का बताई विभीषण ने कि इसी वक्त इसी समय रावण आने वाला है, तुम आगे आगे चलिए। और पीछे से रावण आता, स्त्री के सिवाय कोई नहीं जाएगा, तो तुम नारी का स्वरूप बनाइए। तो वो सखी का रूप हनुमान जी बनाते, और जैसे लंका में अशोक वन में पहुंचे सबसे पहले आगे आगे, और जैसे जानकी जी को देखा निज पद नैनन दिए, मन प्रभु कमलन लीन, परम दुखी भाव पवन सुत देख जानकी दीन। दीन अवस्था में देखे, अब हनुमान जी ने कहा क्या करूं, जामवंत जी ने जो कही थी कि सीता देख तो हो सुदाई, जो नहीं करने तो मैं कि लंका को इतने ले आओ कि भारत को लंका में ले जाओ, जो नहीं करने तो बस इतने करने सीता को देखे आओ और आके खबर कर दो। सो हनुमान जी ने कहा अब मैं क्या करूं, जानकी जी चीनती न जानती, वो हम बीच में पहुंच गए जाने का हो जाए। तो जा हनुमान जी चर पल्लव में रहा लुकाई, पेड़न के पत्तन में जाके छिप गए। ये कौन है साखा मृग, कई आदमी मंदरन पे जा, कई आदमी अपनी रिश्तेदारी में जा, तो वे कौन कि जिसकी जैसी वृत्ति है वो वहीं पे सहारा लेगा। तो हनुमान जी पत्तन के सहारे में बैठ गए और विचार कर रहे, करे विचार करूंगा भाई। और भाई मेरे आगे रावण रावण और रावण ने जानकी जी को समझाने लगा, साम दाम भय भेद दिखावा। और जैसे भय और भेद की बात करी, और वहां हनुमान जी महाराज विचार कर रहे, करे विचार करूंगा भाई। बाकी उत्तर में जानकी जी ने कहा सच सुने हरियाणा मोही, अधम लिलत लाज नहीं तोई। और ते जो कह रहा कि एक बार विलोक दो तो हम अब बेटा क्या बताएं, विलोक ना जैसे काउ को अपने शब्दी से बात करने हो, लड़का के बाप से
सो बिटिया की मताई खाट की अदवान तरह देख जा वो उठे एक नाते ने भूमे ढाल में और के दो दादा से ये के दो दादा से ये के जो क्या बस जोई है तेरे नर ओट कहे तो बैदे ही एक ये मर्यादा है को छोटे बच्चा को लेके बाहर जा तब ने कहा ये क्या है पहलवान है जो का कि पहलवान नहीं है मर्यादा है ये मर्यादा है तृण की मर्यादा कर जान की जी बोली ये अगर मैंने पति से सुमर अबद पति परम स्नेही जब ये अयोध्या में ब्याह करके आए थे तब उस समय नेक हो रहा तो अयोध्या में और वो नेक कहा तो हरदी को नेक ओ बहू से बोली जात पतोहू और लड़का से बोलो जात पूत और बहुत समय नेक चल रहा तो पूरी रिश्तेदार नहीं बोला गवारी सब बैठी थी और जैसी वहां बैठी उतारी है बहुए लहीने लन बेटाई देख रही है नाराज उतारी है बहुए लहीने लन बेटाई देख रही है नाराज बहुन को पास में बैठा दी और बहुन को हाल क्या करना है काम भी बताओ जो सिल है सिल पे लुढ़िया है और हरदी जो पानी में है या हरदी को पथरा पे फोड़ने हैं और जो बहु फोड़ देगी माँ का भाग अच्छा रहेगा तो काम करत तो छोटे से शुरू हो चारों बहुन में छोटी सुस्त कीर्ति है सुस्त कीर्ति से कई फोड़ो सुस्त कीर्ति ने पत्थर मारो जानकी जी कह रहे भगवान फूट जाए हमारी जेन छोटी है एक गई में फूट गई हरदी चूरन हो गई तो वे कह रही थी सब को बैठा के चैन लगी चुर मिल आई सब ने उतार चुर मिल आई सब ने उतार हरदी को भर लाई थार हरदी को भर लाई थार हरदी को भर लाई थार और क्या बोली एक काम करने अरे मारो चोट ये लगत पूरन हो जाए एक रही है कराई चूरन हो जाए कि नहीं है कराए और जब छोड़ गई बोली बढ़िया छोटी बहू को बात अब आओ उर्मिला को लंबर तो उर्मिला ने चोट गई जो हरदी चपकी हो गई बोली जब को दी गई है भाग क्या को पति चाहे दूर चलो जाए कि हिल दो तो वहां को मिलो जाएगा हिलने से दूर नहीं हो पाएगा अब आओ मांडवी को नंबर तो मांडवी ने चोट गई तो हरदी के दो टुकड़ा हो गए बोले क्या बहू को पति से छोड़ जाएगा जब राम जी बन को गए तो नंद गांव में कुटी बना के भरत जी रहे चौदह साल तक अपनी पत्नी से नहीं मिले अब आओ सीता को नंबर सीता ने कही हम सब में बड़े
सीता मारी चोट सदार सीता मारी चोट समार उतर गई है उतक गई हाल हर सबरी कैसी भयो कमाल हर सबरी कैसी भयो कमाल सब कहने लगी अरे बड़ी बहू है सबसे कमजोर अरे सब ते कमजोर बड़ी बहू रही दिखाई निक रही है कराई सब ते कमजोर बड़ी बहू रही दिखाई निक रही है कराई जाको पति दो बेर बिछुड़ेगा पहले हरण होगा और फिर वनवास दिया तो दो बार बिछुड़न भय पति के उस समय सबरी कल लगी बड़ी बहू को भाग में करेगा बड़ी बहू को भाग में करेगा अत संघर्षन कर जो कोई अनल प्रगट कंदन तय होई है तो सीता बहुत सूदनी है और जब ज्यादा को मजाक उड़ावे तो क्रोध पैदा हो जाए चाहे जो हो पर ज्यादा जब ज्यादा भाव तो हरदी धरी थी तो जानकी जी ने गोसाई जी ने निगाह के भाव ताक नाम लिखा निगाह का भाव तक तक तीर मही कलावा कर चल सुगर शरीर बचावा और प्रगटत दुरत करत छल भूरी प्रभु गये उले दूरी तब तक राम कठिन सर मारा और धनस तोड़ गए थे राजा लोग तमक दाग तक निशाना मानना और राम जी ने दिया है दिलोक और तके उठन कैसे कि तो गरोर लघु ब्याल है जैसे ताकना तो यह जान कीजी तक के घूंघट से रही जाक तक के घूंघट से रही जाक तक के घूंघट से रही जाक हरदी जल के हो गई खाक हरदी जल के हो गई खाक भागो सार जो तन में राग राग भागो सार जो तन में राग भागो सार जो तन में राग आए बुलब को बारियन में लगा दे सारे हे भगलो काय देख रही राख हो गई हरदी अपुन लगे थे चढ़ावे को बहु नो तो अरे अग्नि से निगाह तेज बहु की देखा निग रही है करार अरे अग्नि से निगाह तेज करार
ये हरदी को पतो नहीं पड़े दूंगा नहीं भाव रात को ढेर होगा। राम जी ने कही अमे पूर्ण सीता जी ने वो उठे आए तो बोले राम जी ने कहा कहा राम जी आज से कहा राम जी आज थे सहनाला को बोल नहीं जलाना आँख से देखना घूंघट खोल। जानकी जी से राम जी बोले आज से काव्य बार हो तो नहीं जो आरती बढ़ गई के सब पतो पर जे रावण सुना आजे कि जे आज शक्ति है त्रिकुट बिलास क्या सले होई और बाम अंग प्रभु सीता सोई सब पतो पर जे। तो जानकी जी ने कही हम नहीं पार। राम जी बोले देखियो नहीं नहीं तुम काव्य देख दे राख को ढेर होगा तुम कहो हमने नहीं मारो हम तो देख रहे थे चिताबे ही ना मर मर जाएगा। राम जी बोले डायरेक्ट नहीं देखना तो जानकी जी तिरंधर ओट कहत वैदेही सुमिर अभद पति परम स्नेही कह रहा कि एक बार बिलोक मम ओरा पवन चरी ये मंदोदरी और जितनी रानियां हमारे संग है हम तुम्हारी दासी बना देंगे तुम्हें पटरानी बनाएंगे। हनुमान जी देख रहे करें विचार करो का भाई ये समय क्या करना चाहिए क्या करना का चाहिए फैसला तो मताई को है क्या कह रहे हैं जो जो कह रहा है तो प्रलोभन है क्या नहीं है। तब तक जानकी जी ने बेशब्द निकले तिरंधर ओट कहत वैदेही सुमिर अभद पति बेटा अबे हम ये कई बिलोक से देखते नहीं रात को ढेर हो जाता अकेले पति से बाधा करी आई है जो ध्यान में इसलिए तुम्हें हम नहीं देखते डायरेक्ट में तिरंधर ओट कहत वैदेही और तू सट है सच सुने हरियाणे मोही अधम ले लज लाज नहीं तो ही कोई शर्म नहीं क्या। रावण बोलो कैसे बोल रही हो मंदोदरी बोली वो नहीं बोल रही तो बिचारी को सती तत्व बोल रहा कब तुम नहीं क्या को सती मंदोदरी बोली हम और तो कुबस के सती है या घर में बेलता है तो भिड़े जब रहे ये है सती के परदेश में होकर और संकट में होने पर भी अपनी पति को नहीं भूलती और मरने को भी तैयार। अरे इतना रावण ने सुन चंद्र हाथ उठाई सीता जी बोली चंद्र हाथ हर मम प्रतापम रघुवर फिर है अनल संजातम हे चंद्र हाथ तेरी धारा शीतल है पर जाओ मेरे गले में राम विरह से मैं राम की विरह अग्नि में जल रही। आज इतना रावण ने सुना तो मार देखो द्वार पर हनुमान जी कर रहे करें विचार करो का भाई अब किसे विचार करो संकट आ रहा मार देखो आ रहा कंधा हाथ लाए द्वार पर हनुमान जी ने कहा जब मार बे मारो हो
ओई बचावे बारो भी हो तो भूखा है बचाने वाला मंदोदरी ने पौ फकल लपी छै टीडा बन के ए ऐसे वीर बेटा के बाप काय को बेटा की नाक कटा रहे वो रावण ने कही जो नहीं कही महाराज राजा अधिराज मेरे पति वो बोली पति तो ने मट गए अब एक दस मिनट फिर तुमने हमें दासी बना दई वो तो ये सती की कृपा है कि इसने ये पद स्वीकार नहीं किया नहीं तो हम अभी दासी होते तेरे का युग में पहला स्थान है जो अपनी कामना के पीछे अपनी पत्नी को भी गांव पर लगा दिया तो वीर है तो मेरा बेटा मेघनाथ है मेघनाथ की तुमने तो सबरी डुबा दी जो दरबार वीरों पे चलाई जाती वो गीदों पे चलाई और ये अवला पे चलाने को जा रहे हो मंदोदरी ने पांव पकड़ा तुझे बोलती कैसे है का ये वो नहीं बोल रही उसका वृत्त बोलता है तब तो रावण ने कहा हे राक्षसियों सीता को सुमुख करो इनको परेशान करो तो ये परेशान करो अब परेशान करने को राक्षसी भाई हनुमान जी ने कहा करी इनमें देना नहीं ये के ऊपर से कमचा पटोई न पड़े ये परेशान कर रहे माता जी को बैठन नहीं दे रहे रुबा रहे तब तक हनुमान जी ने कही जा को परेशान करत तू उसे बचावे बारो हो तो जा पे बोली उन समाज में से एक त्रिजता बोली जिसके अंदर तीन गुण है राम चरण रति वो निपुण विवेका हेड कांस्टेबल है कहीं किसी देश की भाषा हो वो त्रिजता पूरी हल करके सुनाती है ऐसी त्रिजता ने खड़े होकर के पूरी स्त्री समाज को कहा ए नारियों पूरा संसार सपने में डूबा है कोई प्रेमी के सपने में है कोई दुश्मन के सपने में है कोई बलवान बनने के सपने में है कोई धनवान बनने के सपने में है सपना पूरे संसार को है और तुम भी सपने में हो कि रावण खुश हो जाए और सीता भी सपने में है कि राम मिल जाए तो क्या नारी हो तुम नारी होकर नारी के दर्द को नहीं जानती हमें भी एक सपना है कि तुम्हें कहा है देवी सुबह कहने लगी सपने बानर लंका जा तुम्हें कहा सपनों बहो वे बोली हमें सपनों बहो के एक बंदर आ गया और अबे देखो नंजा त्रिजटा ने ये राम भगत की वाणी है ए देखे नहीं फिर भी वे बोल जाते सत्य निकलेगी तो कहती एक बानर आया लंका फिर माने पूरी लंका में आग लगा दी जानकी जी से राम जी बोले आज से काव्य बार हो तो नहीं जो आरती बढ़ गई थी सब पतो पर जे रावण सुना आज कि जे आप शक्ति है त्रिकुट बिलास जास ले होई और बाम अंग प्रभु सीता सोई सब पतो पर जे
तो जानकी जी ने कही हम नहीं पार। राम जी बोले देखियो नहीं नहीं तुम कहो देख दो राख को ढेर होगा तुम कहो हमने नहीं पारो हम तो देख रहे थे चेताबे ही ना मर मर जाएगा। राम जी बोले डायरेक्ट नहीं देखना तो जानकी जी तिरंधर ओट कहत वैदेही सुमिर अभद पति परम स्नेही। मैं कह रहा कि एक बार बिलोक मम ओरा पवन चरी ये मंदोदरी और जितनी रानियां हमारे संगे है हम तुम्हारी दासी बना देंगे तुम्हें पटरानी बनाएंगे। हनुमान जी देख रहे करें विचार करो का भाई इस समय क्या करना चाहिए क्या करना का चाहिए फैसला तो मताई को है क्या कह रहे हैं जो जो कह रहा है तो प्रलोभन है क्या नहीं है। तब तक जानकी जी ने शब्द निकले तिरंधर ओट कहत वैदेही सुमिर अभद पति बेटा अबे हम एक बिलोक से देखते नहीं रात को ढेर हो जाते अकेले पति से बाधा करी आई है जो ध्यान में इसलिए तुम्हें हम नहीं देखते डायरेक्ट में तिरंधर ओट कहत वैदेही। और तू सट है सच सुने हरियाणे मोही अधम ले लज लाज नहीं तो ही कोई शर्म नहीं है। रावण बोलो कैसे बोल रही हो मंदोदरी बोली वो नहीं बोल रही तो बिचारी को सती तत्व बोल रहा कब तुम नहीं है को सती। मंदोदरी बोली हम और तो कुबस के सती है या घर में बेड़ता है तो भिड़े जब रहे ये है सती के परदेश में होकर और संकट में होने पर भी अपनी पति को नहीं भूलती और मरने को भी तैयार। अरे इतना रावण ने सुन चंद्र हाथ उठाई सीता जी बोली चंद्र हाथ हर मम प्रतापम रघुवर फिर है अनल संजातम। हे चंद्र हाथ तेरी धारा शीतल है पर जाओ मेरे गले में राम बिरह से मैं राम की बिरह अग्नि में जल रही। आज इतना रावण ने सुना तो मार देखो द्वार पर हनुमान जी कर रहे करें विचार करो का भाई अब किसे विचार करो संकट आ रहा मार देखो आ रहा कंधा हाथ लाए द्वार पर। हनुमान जी ने कहा जब मार दे मारो हो बचावे बारो भी हो तो वो कहा है बचाने वाला। मंदोदरी ने पांव पकड़ लो पीछे अटीटा बन गया ऐसे वीर बेटा के बाप काय को बेटा की नाक कटा रहे। वो रावण ने कही जो नहीं कही महाराज राजा अधिराज मेरे पति। वो बोली पति तो न मट गए अब एक दस मिनट फिर तुमने हमें दासी बना दी वो तो ये सती की कृपा है कि इसने ये पद स्वीकार नहीं किया नहीं तो हम अभी दासी होते तेरे का युग में पहला स्थान है जो अपनी कामना के पीछे अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा दिया। तुम वीर है तो मेरा बेटा मेघनाथ है मेघनाथ की तुमने तो सबरी डुबा दी जो दरबार वीरों पे चलाई जाती वो गीदों पे चलाई और ये अवला पे चलाने को जा रहे हो। मंदोदरी ने पांव पकड़ा तुझे बोलती कैसे है का ये वो नहीं बोल रही उसका वृत्त बोलता है। तब तो रावण ने कहा हे राक्षसियों सीता को सुमुख करो इनको परेशान करो तो ये परेशान करो। अब परेशान करने को राक्षसी भाई हनुमान जी ने कहा करी इनमें देना नहीं ये के ऊपर से कमूचा पटोई ना पड़े ये परेशान कर रहे माता जी को बैठन नहीं दे रहे जो बा रहे। तब तक हनुमान जी ने कही जा को परेशान कर तू उसे बचावे बारो हो तो जा में बोली उन समाज में से एक त्रिजटा बोली जिसके अंदर तीन गुण है राम चरण रति वो निपुण विवेका हेड कांस्टेबल है
कहीं किसी देश की भाषा हो वो त्रिजता पूरी हल करके सुनाती है। ऐसी त्रिजता ने खड़े होकर के पूरी स्त्री समाज को कहा, ए नारियों, पूरा संसार सपने में डूबा है। कोई प्रेमी के सपने में है, कोई दुश्मन के सपने में है, कोई बलवान बनने के सपने में है, कोई धनवान बनने के सपने में है। सपना पूरे संसार को है, और तुम भी सपने में हो कि रावण खुश हो जाए, और सीता भी सपने में है कि राम मिल जाए। तो क्या नारी हो तुम, नारी होकर नारी के दर्द को नहीं जानती। हमें भी एक सपना है कि तुम्हें कहा है देवी, तो वो कहने लगी, सपने बानर लंका जारी, जातो दानो से नाथ कुमारी, जातो दानो से नाथ कुमारी, सपने सपने बानरे लंका जारी, सपने बानरे लंका जारी, जातो दाना से नाथ कुमारी, जातो दाना से कुमारी। सब हमें भी सपनों हैं कि तुम्हें कहा सपनों भाव, वे बोली हमें सपनों भाव के एक बंदर आगा, और अबे देखो नंजा त्रिजटा ने, ये राम भगत की वाणी है, ए देखे नहीं फिर भी वे बोल जाते सत्य निकलेगी। तो कहती एक बानर आया लंका, फिर माने पूरी लंका में आग लगा दी, फिर क्या करो। बोले फिर राक्षसन को मारी, मन जात ध्यान सेना सब मारी, फिर का भाव। बोले घर आरूर नगंद सीता, रावण गधा पे बैठो, और यह सो दक्षिण दिस जाई, दक्षिण दिशा को चले गए मुंड सिर, और खंडित मुझ बीचा, बीसौ हाथ कटे हैं, और बार मुड़े हैं सिर के, यह तो दक्षिण दिस जाई। और फिर बोले लंका मनाओ विभीषण पाई, राज बदल गया, ए हुकूमत बदल गई, अब बेकामी लोगन की हुकूमत नहीं है, अब भगत की हुकूमत है, विभीषण जो राजा बने हैं। ऐसो सब रीटर आने बेन, जब हुकूमत बदल रही तो बेटपना हो जाए हमारा, जहां तक पहला इसे हो जाए। नहीं क्या है, बोली गलती माफ करियो सीता जी से, बोली गलती माफ करियो, हम रावण की हुकूमत से आपको परेशान करे। आप यहाँ जानकी जी ने कही, बहन माता जी आप हमें जो लग रही जैसे मताई धर्म की रक्षा करती है, ऐसे तुम हमारी रक्षा कर रही हो, तो आप एक काम कर दो, आन काठ रचिता बनाई, और मात अनल पुंडे लगाई, माता जी तुम चिता बना दो, वो आग लगा दो के दर्शन ले आओ। ये बोली रात के नहीं मिला था, यहाँ नहीं मिला तो पहले दिन दिन में बन जा, धना नहीं बनाऊ को रात के खातरत बातों को सो सब खा धना दो। तो फिर मैं कहा कि वो ऐसे कह करके चली गई। जानकी जी ने कहा, हे चंद्रमा, ए तुम किरणे अग्नि जैसी हैं, छोड़ दो हम अपने विपद से दूर हो जाए, एक भी उत्तर नहीं मिला। हे तारागण, तुम अग्नि समान चमक रही है, कादने थे आ जाओ, वो भी नहीं आया, तब तक निगाह परी अशोक वृक्ष पर। बोली तेरा नाम अशोक है,
तेरो नाव झूठा है, जैसे कई जने कर सत्य की झांकी देवी तब जाने फलाने को ऐसा हो जाए, कभी दोनों सच्ची नहीं जाना, कभी सीता जी विपद में फंसी तो वे कह रही हम को अशोक सच्चो नहीं जाना, वो ते अशोक हो में तो तेरे अन्य जो शोक बैठा है, मैं शोक भरी हूँ, अगर मेरा शोक चला जाए तो हम तो को अशोक मान ले। हनुमान जी बैठे थे तो करे विचार करूंगा भाई, हनुमान जी ने कही जो ही है मौका, कछु आदमी जो कर दान दे 500 को लोट तो कैमरा में पेरी कर दे ऐसे के नंबर आ जाए, और को काम करा सीधो सामान दे तो जो मंदिर को वो वे पुजारी बाखों दिखा के धर महाराज जो धरो चाहते जिन्हें जो पटो पर जाके दिल आए थे जो सीधो देखा। हनुमान जी ने कही जब हमें मान नहीं है, मान नहीं है तो फिर हम काय के लाने, आज हमें मान हो गए तो हम छोड़े, जब हमें कुछ बदले में चाहिए नहीं पर उपकार में मान नहीं होता, ये अशोक का नाम सत्य हो जाएगा, जानकी जी से अशोक कहेंगी इसी समय है कि आग डाल दे। हनुमान जी कप मन कीन विचार, कप मन कीन विचार दीन मोहे का प्यार सब दीन मोहे का प्यार सब जैसे हनुमान जी ने विचार करो जो ये मौका अशोक को नाम विचरे सत्य नाम कर हर मम शोका, तो दीन मुद्र का डर तब कैसे लगो जन अशोक अंगार, आज अशोक का नाम अशोक सत्य हो गया, जानकी जी ने दीन हरस उठ कर गये, उठाई जानकी जी ने उठाई तो आग नहीं है, तो चके चेत मुदरी पहचानी हरस विषाद हृदय अकुलानी, हृदय में घर जहां चारों तरफ को देखा तो मुदरी को पहचानी कौन ले आ सकता, राम जी अजय है जीत को सके अजय रघुराई, वो माया से असर नहीं जाई, माया से कोई बनाने वाला नहीं है तो कौन हो सकता है, तब तक हनुमान जी ने राम नाम गुण बरने लागा, सुनते सीता कर दुख भागा, राम नाम गुण का साधक नाम जपे दोलाए, होए सिद्धि अणमाधिक पाए, और जपे नाम जग आरत भारी, तो मिटे को संकट होए सुखारी, जा राम नाम का बल वर्णन करो वो दुख भगो। हनुमान जी ने कही कहां जा रहे इधर लोडो, सीता पैसे दुख भगो, बोले यही रहो जब बाटका में तमाम जोधा फैल जाए, इतने पहुंचो तो दुख गाओ और चढ़ बैठो बुखार जिते के रखवारे हते। आए हनुमान जी ने आ गई से तब कथा सुनाई, कहा तो प्रगट हो तक न भाई, कथा सुनाई आज से जनकपुरी से लगा के, जानकी जी ने कही जब हमारे मायके को बातें कर रहा तो हो सकत हमारे मायके को हो गए तो बच्चे ही लगा चुके, हे भाई प्रगट हो जाओ, वो हो तुमने बहुत सुंदर कथा सुनाई।
तो हनुमान जी ने कहा कि कथा तो सुंदर है पर सुनाने वाला बंदर है। जानकी जी ने कहा बंदर ही सही। हनुमान जी ने कहा तुम सासरे में बंदरन की फोटो देख के डरा उठी, तो यहाँ डर न जाओ। हनुमान जी जब पास में आए तब हनुमंत निकट चल गई। फिर बैठी थी जैसे बड़े आदमी लंबरदार शरीर से, और बहु को आवे तो पीठ दे के बैठ कर कई तो लंबरदार बैठे। जब पीठ कर लई हनुमान जी तरफ को जानकी जी ने, जिनने कही के जानकी जी ने कही, जानकी जी ने पीठ फेरी। हनुमान जी बोले माता जी लड़कन को पीठ फेरत का मत आई, वो बड़ा बुजुर्ग नहीं है। माता जी यह मुद्र का मात में आनी, दीन राम तुम कौन सैदानी, ये मुद्र का तो हम ले आए माता जी। माता जी तब बार बार माता जी कहो, हनुमान जी को विश्वास भाव। हनुमान जी बोले, जानकी जी ने कहा कि हनुमान एक बात बताओ कि वे दोनों भैया सुख से हैं कि नैया। आप कहो कौशल जाओ बलिहारी, अब कहो चल जाओ बलिहारी, अब से तो को भवन खराई, अब कहो चल जाओ बलिहारी, अब कुशल कहो दोनों भैया ठीक है। अनुज से हनुमान जी बोले मात कुशल त्रिभुवन। तो जानकी जी के हसबेंड की दाल लग गई। अरे प्रभु कुशल थे, लक्ष्मण जी मर गए, जाने का करे, हमने जबरदस्ती से आए थे तो लक्ष्मण जी हमें छोड़ करके जब चले आए तो राम जी ने कुछ कहा होगा, हमारे वियोग में चले गए। तो हनुमान जी बोले संदेश कहने में हम भूल गए। तो मात कुशल प्रभु अनुज भैया थे उसी में है दोनों भाई, सो और ज्यादा रोन लगी। मैंने की माता जी का बाबे हूँ हम कछु भूल गए। सो हनुमान जी बोले दुखी है मैया, दुखी है। माता जी बोली का दुख है, बोले तब दुख दुखी सो कृपा निकेता। माता जी तुम्हारा दुख है, तुम्हारे दुख में दो ही भैया दुखी है, जब तक तुम नहीं मिली तब तक दुख दूर नहीं होने वाला है। माता जी तो माता जी तुम कैसी हो? माता जी बोली बेटा आंखन में जलन हो रही। हनुमान जी बोले दवाई नहीं आए माता जी, यही को बेद उठा लिया मैं सुखे, तो ये इलाज करवा दे तुम्हारा। तो वे बोली दवाई से नन्या, तो वे कहने लगी कि हमारी आंखें की जलन कम मिटेगी, हमारी आंखें की जलन जब राम जी के श्याम रे शरीर को देखूंगी तब हमारी आंखें की जलन दूर होगी। हनुमान जी बोले माता जी तो ले चले अभी मात में जाओ ले भाई, प्रभु आये तो नहीं राम दो भाई। मैंने कही अभी लेवा दे माता जी, फिर प्रभु की आज्ञा नन्या। माता जी बोली प्रभु का चाह रहा तुम्हारा, प्रभु बोले आएंगे निश्चर मार राक्षसन को मारेंगे, निश्चर मार तुए ले जाए तब तुए ले जाए मताई, और
इस कथा के लिए नर आदि नारद आदि गाएंगे निश्चर मार तो ले जाए त्यों पूरे नार दाद जच गए हैं नारद आदि कथा कहेंगे सुबोने राक्षसन को बड़े बड़े को मान ले तो बंदर कहते हैं तो मताई तुम्हें कहते हैं बोले हम तो सीनियर है सीनियर तो और है हम तो जूनियर है हल्के मिलते हैं सबसे हल्के जान लो मताई कि तुम्हें कहते हैं और ज्यादा बड़े तो मताई का तुम्हें कछु संदेह है जानकी जी बोली संदेह नन्या तो काय मोरे हृदय परम संदेहा परम संदेह सुन कप प्रगट कीन निज देहा हनुमान जी ने कही मताई को लड़का पे संदेह हुए तो फिर जासे अब तक प्रगट अपनी देह प्रगट करी जासे सबरे डराव थोए और फिर सुन कप प्रगट कीन निज देहा निज दिए कैसी गुसाई जी ने बाहुक में लिखी और रामायण में लिखी कनक भूतराकार शरीरा और समर भयंकर अत बल बीरा और सूर सागर ने सूर दास ने सूर सागर में लिखा कि और गुसाई जी ने बाहुक में लिखा सोन सैल संकास कोट रब तरण तेज कर हनुमान जी पहाड़ जैसे हो गए और करोड़ों सूरज के समान तेज हो गया कह तो दुर्गा जी में भाव जब जिस समय शुंभ ने शुंभ को मारा तब हजारों सूर के बराबर तेज दुर्गा जी में आओ और कह नरसिंह भगवान में आया जब हिरणा कुछ का वध किया और कह आज हनुमान में आया वो तेज जानकी जी देखो नहीं पा रही हनुमान को मोह देखा सोन सैल संकास कोट रब तरुण तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन सिंह नयन त्रिगुटी कराल रसना रसनानन तह तुलसीदास बस जात उर मारुत सुत मूरत बिकट संताप पाप तय पुरुष पै सपने नहीं आवत निकट हनुमान जी का वो शरीर देखो माता जी ने आशीर्वाद दे दो बोली अजर कूड़े ना हो ये सही पट्टा बनो रहे अजर हनुमान जी ने कही मताई पट्टा नहीं मरत का बोली अमर मरेगा नहीं बोले जब अमर हो जे वो पट्टा ही बनो रहे तो फिर माँ बाके हाल ऐसे होंगे कि वो बेसहूर हो गए नचाए मुझे डर अरे बोले नहीं गुण में तो शुद्ध हो गुण का समुद्र बोले जब गुण मारन को अभमान हो जा जो गुणिया होते ने अपने गुण का अभमान तो भगवान उनसे दूर हो जाए तो जानकी जी बोली करे बहुत रघुनायक छोड़ू तुम्हारे ऊपर राम जी बहुत कृपा करेंगे ऐसी करे कृपा प्रभु सुनत का ना प्रेम मगन हनुमाना हनुमान जी प्रेम मगन हो गए प्रसन्न हो गए और बोले माता जी जैसे तुम्हें हतो संदेहा ऐसे ही हमें कछु हो रहा हूं तुम्हें कहा बोले सोना हो बात मोई अतिशय भूका हो बात सुंदर फल देख के मताई भूख का लग रही
तुम्हें कोठू जत्तो बेटा है ना खबाबे को है ना तुम्हें को और खा दी थी को नहीं खबा रहा। तो हनुमान जी बोले माता जी उसे ना लगती कैसे फल लगे जे अतो ऐसे वन में बहुत सुंदर फल लगे माता जी भूख लग रही। जानकी जी बोली सुन सुत करे विपन रखो भारी और परम शुभ रजनी चर भारी काठी माली नैया तो परम शुभ है। हनुमान जी बोले कह माता जी तुमने आशीर्वाद झूठो दाओ क्या साचो। बोली नहीं बेटा दाओ तो साचो फिर काय को डरा रहे जब हम अमर हैं अजर हैं तो फिर को मार बे मारो माता जी जब तुम्हारो यह तो आशीर्वाद वो कहो तुमने झूठो झूठो दाओ हो तो डरा जाए। जानकी जी बोली बेटा मताई की आत्मा है चाहे बाखो जिला बटरा में तो मताई जो कर दिन दिन में भगे थे बेटा दिन दिन में भगे थे बहुत दुश्मन पैदा थे पीछे भगे थे देखा ये मताई की आत्मा है जैसे को खीर ले जा सब बिन खीर हार को दई सुबह में ने केवला डाल दे ने केवला डाल दे के काय कला ना जो काय को डाल दा के जो जा से डारो के कोनो भूत बाधा संग ना लगे ने जई में खीरे में बैठ के सो खावे बारे को लग जे सरकार जी आ जैसे हनुमान जी गए माता जी ने कहा एक चीज है हमारे पास में वो कौन है रघुपत चरण हृदय धरो और पाप मधुर फल खाओ जो बूटी ले जाओ राम जी के चरण हृदय में धारण करो और खाओ। हनुमान जी ने नाय चरण पेठा भागा आए फल खाए सब परे थे बुखार में कोई नहीं जगे फल खा लाओ और फरों नहीं जगे सो तर तोरन लागा सोई बन में पेड़े और तोरे को जो पेड़े गिरे सो रखवारे की यहाँ खुली भई बुखार में सो रखवारे जब बर्जन लागे ए बंदर ए उधर भाग जा आज तक कोई नहीं आओ ये ना पेड़े तोरा बंदर भाग जा यहाँ कैसे आ गा। हनुमान जी काय को भग रहे थे मोस्ट त्रिहार हनत सब भागे एक एक धमू चाहता हो सीधे दौड़े सो रावण के दरबार में आवाज लगाई भोलेनाथ ये के आबा तप भाई आबा तप भाई उसने अशोक पाठ का उजार दी आज इतनी सुनी रावण ने कहा जाओ चले जाओ अच्छे तुम जाओ ना तुम्हें मन में और ना तुम्हारी सेना को मन में जाओ देखो कैसा बंदर आया उसे देखो देखो जाओ। और जैसे अक्षय कुमार आओ हनुमान जी ने कहा मारो मरे नहीं। हनुमान जी ने लपेड़े पूछ में और कठोरा बांधो बिनको और आकाश में फेंके सब लोटाई के न्याय अब दो चार बचे थे जो पहल के जो रखवारे बे भगे सब सरकार सफाई कहे अक्षय कुमार कहाँ गए कह गए तो ये न थे फिर कह चले गए भी किधर कह ऊपर गए तो आए ही नहीं लौट गए। रावण को क्रोध हो गया मेघनाथ से कहा तुम जाओ। मेघनाथ ने कहा मेरे भैया को मारने वाला मैं उसे मार दूंगा। और जैसे मेघनाथ आओ तो रावण बोलो मारिए नहीं तो पाल बेला
कहे तगड़ो बंदर पाल भी लाख है पाल ले तो अपनी तरफ से डिग्री भी कर लड़िया पालने है मार से जन सुत बांध सकाई तो देख है कपाई कहां कर आई कहां का बंदर है पूछेंगे भाई और जाओ बांध ले आओ और जैसो मेघनाथ आओ तो जो हनुमान जी से शिक्षा मिले के ये कमजोर नहीं है तो कभी देखा दारुण भटिया बाण कभी देखा दारुण भटिया देखो हनुमान जी ने कि आगा अब जैसा ये कोनो कुत्ता हो वो चार कुत्ता ने मैं बैठ जाए और जहां माने दांत काड़े ऊंटन से बाहर वो एक फेरी लगाई तो कई भी कट जाए हनुमान जी ने कट कटाए दांत काल के चलिए बेटा हो कट कटाए गर जाओ और धाबा अति विशाल कर एक उपारा एक बड़े वृक्ष को उखाड़ के और मेघनाथ पे पटको वृत तीन लंके कुमारा और जहां मेघनाथ को रथ टूट गाओ सारथी मर गाओ और जब रथ सारथी टूटो तो दो ही पहलवान है लग रहे ऐसा लग रहे मानो दो हाथी लड़ रहे हो और माने माया रथी मेघनाथ ने पकड़ने मानने तो है नहीं है माया रथी तो जीत न जाए प्रबंधन जाए सारी माया पहल मेघनाथ की हनुमान जी पे चल गई नहीं है जब माया नहीं चली तो अब मेघनाथ ने कहा एक ही दाव और है ब्रह्म अस्त्र है ब्रह्म में अस्त्र तय साधा तब मैं तीन पर हनुमान जी ने करे विचार करो का भाई ये ब्रह्म को हम नहीं मानेंगे तो ब्रह्मा जी ने मरावन की मोट लग गई तो नर के कर आपन बद बाटी हसे जान बिद गिरा असाथी मनुष्य के हाथ से मरना है तो राम के हाथ नहीं मरेगा जैसे हमें बदने पहले कई कछु बिगड़ जे नहीं मोए न कछु पाने की लाजा कीन कहे निज प्रभु कर काजा लाज शर्म नहीं हो जे घर में काम कर बे बारे को कछु कह रहा हो अबे तो खावे के जरियो को कछु कह रहा हो अकेले बेजो कह रहा हमें न कछु जाके लाज शर्म ए प्रसाद में रहो तो खूब खा रहे वो सब हो रहा और जाके लाज शर्म नहीं है हमें तो भगवान को काम बन जाए तो हनुमान जी ने कही हमें बंधवे की शर्म नहीं है राम को काज बन जाए वो भगत कह रही थी के बंधन में लंका बारी ये सो ही काम बन जाए कहूं तो बन जाओ तब ही माने बन के गए और जैसे हनुमान जी जब ब्राह्मण के दरबार में पहुंचे तो ऐसे लगो मन सपन में गरुड़ जी आ गए हो मैं तो हनुमान जी जैसे आए तो रावण को याद आई रावण को याद आई कि जाने लड़का मारा रो अक्षय कुमार तो जाते एक काम कर दो मार दो जो बंदर को मारो और जब फरसा लेके और तरबार लेके आए राक्षस हनुमान जी कैसे बच्चर बच्चर तक जैसे ही मारी तो चोट ही नहीं लगी
तब तक विभीषण आ गए। विभीषण बोले नीत विरोध न मार के दूटा। विभीषण ने कही जाने बेचारे ने हमें बच्चा बना ले परदेश में, वो ऐसे बच्चा करते कही आगे जो कट रहा हो। तो हम मंत्री हैं तो हमारी मन ये तो मनवाऊ थे। तो बोले नीत विरोध है, दूत को कभी नहीं मानना चाहिए और दंड दे दो। हनुमान जी ने कही आप जाने का दंड देवन ना काटा के का कर। जो हनुमान जी शंकर अवतार है वो पार्वती आदि अंग में है, जो पूछ पार्वती बनी। तो हनुमान जी कह रहे हैं शंकर रूप को ध्यान करके तुम अच्छी आई थी का पर तो तुम्हें पे पड़ जाए तो काट दे दे। तो क्या करें, तो जैसे हनुमान जी पूछ को देखने लगे तो वैराक्षस बोले कप की ममता पूछ पर सब ने कहो समझा। ये ममता का है, ममता अपने जीवन का एक मेल है। इन्हें कहे कर्म स्वभाव सुबलाय। आइए तब बुद्धि शराब है ज्ञान घृत ममता मल जल जाए। ममता क्या है, ये ममता दाद खंड ईर्षाई। ये ममता मन की दाद है, वो दाद हो तब भुजावे को मन हो चाहे किते को आग पड़े ममता है। और ये ममता तब तो कज लक्ष्मण जी ने कही परशुराम जी से ये धन पर ममता कहे हेतु सुन रसाय कहे भृगु कुल केतु। ममता करती नहीं है। और भगत तो ऐसे कहता है कि ये ममता क्या है, ममता तरुण सिमी अंधियारी। ममता तरुण सिमिर अंधियारी, तरुण सिमिर अंधेरिया रात। जैसे ही आखिर में सिमिर लग रहा तारो छपका आ रहा हो और भाई में अंधेरिया रात। तो क्या भगत को जीव को कुछ नहीं दिखाता, ममता के आगे जहाँ पे ममता है वो ही दिखे और कुछ दिखा नहीं सकता। तो कई बंदर की ममता पूछ पे तेर मोर के कपड़ा बांध दो और पुरवासी आ गए और ढोल बजावे बजाए ढोल दे सबदारी और नगर फेर पुन पूछ प्रचारी। आए जहाँ नगर में प्रचार कर दो एक बंदर पकड़ के आओ और बाकी पूछ में कपड़ा तेल में मोर के बांध हो जाए। और हनुमान जी ने कहा करो बाड़ी पूछ, पूछ खुद बढ़ रही पार्वती जिनने अपने नाने जो नगर बनवाओ तो और विषय छुड़वाने पूजन करो तो जो नगर मांग लो तो। शंकर जी बोले चलो चलिए वो तो पंडित ने ले लो। पार्वती जी बोली तो बामन खो बैठो पूजा खो और जाने दक्षिणा में नगर ले लो हमें काय के जाए ना बारे। तो पूछ बढ़ गई बारी पूछ कीन कपी खेला। हर बिन्न कई घरबारी कह रही कह जाओ हे राजा को ऑर्डर है तेल बोर के कपड़ा बन रहा है पूछ में बांध दिया। तो फिर कड़े बोले जो तो जो धरी अपने द्वारे, अपने द्वारे लाख अपनी ही व्यवस्था है। तो जा तेल में बोर के कपड़ा बांधे बोले होगा नहीं कही अपने द्वार ओवर रहेगा खाली। तो घी लिया तो घी में लपेट रहे कछु अब सबके द्वारे जो ही हाल होगा। रहा नंगा बचन घृत तेला।
हनुमान जी खेला कर रहे, इतने ही कर रहे नाटक, और पूंछ बढ़ रही। विभीषण ने कई पूंछ बढ़ गई, रावण को कहा ठिकानो, तो जब पूंछ घुमा तो घर में आग लगा दी वे, अपने दूत से कह रही आग लगा दो ये सही में। तो विभीषण के दूत ने आग लगा दी, और हनुमान जी ने पीछे को देखो, हनुमान जी ने जैसा देखा पावक जलत देख हनुमंता, और भयउ परम लघ रूप तुरंता। हनुमान जी छोटो रूप बना लो तो कर शरीर छोटो होगा नहीं, रूप है। जब छोटे बन जाओ तो निमुक गए अंटा सबरे, निमुक चढ़े तप कनक अटारी, देख कैसी है बोले देव विशाल, परम हरियाई रूप छोटो। मजदूर को रूप छोटो और राष्ट्रपति को रूप बड़ो, और आज मजदूर चाना बैठ जाए राष्ट्रपति तो नहीं बैठ जे, इनका रूप बड़ो है। अब जहाँ को रूप बड़ो है तो 10 लाख को ब्याह कर दो, वो एक बिटिया और बैठी तो कह के जाको तो 15 को करने पर कहे ने खाओ। रूप बड़ो है, रूप बड़ो है तो बिधेरे हो, तो रूप छोटो बना लो के हम कछु नहीं दे पा रहे, अर्जी को टीका कर रहे अकेलो, सो को ना के पे के समुदाय के रूप बिगड़ो। बस हनुमान जी ने जहाँ हनुमान जी से सीखो के रूप छोटा, और जो आए थे सबरे को तो कहे आए प्रवासी, मारा चरण करे वो हाथी, और जिस समय आग लगी वो हनुमान जी अटारी पर चढ़े, और अग्नि अब बैठ गई नगर में, अग्नि जलने लगी। रावण ने कही क्या है, कई आग लग गई बाजार में, हाटकपुर में बाजार में आग लगी है, बोले ये काम करो, कौ राक्षस को भूख लगी, वरना मंत्री करते भूखे राक्षस है तो बिन गोटी हम कर लिए खा ले सरकार, चली हम दो बंदर, तो कौ को भूख लगी, बोले हमें नहीं लगी। मेघनाथ शरीर से गए, हनुमान जी ने पूंछ उठाई, चलिया बेटा हो, मजदूर बोले बच गए, लाते दे रहे थे, अब लफेड़ ले, बोले पूंछ में बहुत खतरनाक है, बच गए। हनुमान जी जब मेघनाथ शरीर से नहीं डटा, रावण ने कही क्या है, बोले आग लगी कैसे नहीं बुझ रही, बोले ये काम करो, बादर बुलाओ मेघ, और मेघनाथ बोला ए मेघो आ जाओ पानी बरसाओ, और बादर आ गए तड़कन लगे, धना धन धवा धवा, और बादर गरजने लगे, और जा बादर गरजा, और बादर के गरजते ही हनुमान जी बोले तुम्हारी गुलामी कब होने छूटने, ने गोदर भाव तुमने करी तलाम 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 आ गए, तुम गुलाम के गुलाम ही रहे हो, हुकूमत में चलो। तो बोले अगर गुलामी से छूटने तो उल्टो काम करो, उल्टो सुबह बोले कैसो करे, कहीं को देख रहा हो कि पानी बरस रहा हो, तेल बरसा दो तेल, तो बारिद तपत तेल जनो बरसा, जैसे अपन ने पूरी करी तो चोपर गरम, और वो ही बगरा दो तो कितने जल नहीं आग ले बे, और क्या कैसो भाव, चोगनी किसान मारे हूँ, चोगनी अग्नि बढ़ गई। तो रावण ने कही क्या है, बोले पानी, तो बोले आग तो चोगनी बढ़ रही, बंद करो ये सब पानी, बंद हो गया।
हनुमान जी बोले मिल गई छुट्टी के नहीं मिल गई, नहीं अब तुम पकड़े ही रहते गुलामी में, अब मिल गई छुट्टी, मेघ चले गए। बोले अब क्या हाल है, कब वो बंधन नहीं डट रहा हो। तो कहा एक काम करो, उस समय शोर मचो लंका में, को गहरा मगस उठा लो, को गहरा लड़का मारे काड़ो, और सब और कुंभकर्ण की घरवारी बोली मैं का कर दू, मेरे पति ना जगावे को है और ना कलोर भी को है, अब मैं कैसे का करूं। तो वो कहने लगे सुनो बजरंग बली महाराज, सुनो बजरंग बली महाराज हमारी मरी कैसे, सुनो बजरंग बली महाराज हमारी मरी बच जाए, सुनो बजरंग सब जर जर है।